भूकंप एक अकस्मात घटना होती है। ये कब और कहां आएगा इसकी सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। एक इमरजेंसी किट बनाकर घर पर रखें जो कम से कम 72 घंटों के लिए पर्याप्त हो, जिसमें पानी, भोजन और अन्य महत्वपूर्ण चीजों की आपूर्ति हो सके। इस किट को तैयार करते समय अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के बारे में विचार करें, जिनमें आपका पालतू जानवर भी शामिल हो। झटके महसूस होने पर अगर आप घर के अंदर हैं तो घर से बाहर निकलने की जल्दबाजी ना करें और ना ही दूसरे कमरों में भागने की कोशिश करें, क्योंकि झटके लगने से आप गिर भी सकते हैं और आप पर कोई वस्तु भी गिर सकती है। इसके लिए गृह मंत्रालय का राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्रभाग NDMD ये 3 कार्य करने की सलाह देती है। पहला ड्रॉप, दूसरा कवर और तीसरा होल्ड। भूकंप के दौरान इन्हें जीवन का त्रिकोण भी कहा जाता है। झटके रुकने पर जल्द से जल्द घर से बाहर निकल जाएं। ड्रॉप, खुद को बचाने के लिए जमीन पर बैठकर घुटनों और हाथों के बल बढ़ते हुए किसी टेबल या अन्य चीज के नीचे छिप जाएं। कवर, यानी कि अपने सिर और गर्दन पर हाथ रखकर अच्छे से कवर कर ले ताकि मलबे से बचाव हो सके। एक आम गलतफहमी ये भी है कि भूकंप के दौरान दरवाजे सबसे सुरक्षित होती है, लेकिन अगर आपका घर पुराना है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। होल्ड, यानी कि भूकंप के झटके रुकने तक उस चीज के नीचे ही रहे। अगर आप एक मेज के नीचे हैं तो इसे एक हाथ से पकड़कर भी रखें। अगर आप घर से कहीं बाहर हैं, पेड़ों, बड़ी इमारतों या बिजली के तारों से दूर रहे। कोशिश करें कि किसी खुले स्थान पर रहे। जितनी खुली से खुली जगह में रह सके उतना सुरक्षित होता है। अगर ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं और ऊपरी मंजिल में है तो वहां से भागने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ऊपर बताए गए उपायों को ही अपनाएं और भूकंप रुकने के बाद ही जल्द से जल्द इमारत से बाहर निकलें। लिफ्ट का इस्तेमाल हरगिज ना करें। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।